नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा, ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जो जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहाँ पे डांस किया जाता है, कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में, पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल, तो क्या आप वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार ख़त्म करने का फरमान है। और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहाँ आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं।